I, Kamal N. Seni, going to discuss about pulmonary tuberculosis. So, students, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम कुछ बात करेंगे. आज हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज़ द कॉजेज, व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर एंड हाउ वी कैन मैनेज द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट. सो हियर वी आर गोइंग विद द डेफिनेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली इन्वॉल्व लंग्स बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन सच एज बोन, इंटेस्टाइन, ब्रेन, किडनी एट्सेट्रा. दोस्तों, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक वर्ड जिस पे आप फोकस करें. पल्मोनरी मीन्स इट स्टैंड फॉर और रेफर फॉर लंग्स. ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ ए डिसऑर्डर और इट इज़ अ डिसीज़ विच इज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया दैट इज़ नेम एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. इट इज़ एन एसिड फास्ट बेसिलाई विच अफेक्ट द लंग्स एंड प्रोड्यूस सेवरल साइन एंड सिम्टम्स. सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर लंग्स के अंदर होता है तो हम उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. और यही ट्यूबरकुलोसिस अगर लंग्स के बाहर होता है तब हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. अगर ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इट अफेक्ट ओनली लंग्स. एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इट मीन्स next to the lungs and this extra pulmonary does not affect lungs. This might be affect bones, intestine, brains, kidneys, lymph node, etc. जिस पार्ट में अफेक्ट करती है उस पार्ट के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर होता है. सो कॉजेज की बात करें तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मेन कॉज है इसका बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से ही पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है. बट क्या होता है, हर चीज़ का एक हॉलमार्क होता है. तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज मार्क विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा. फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा मीन्स व्हेन द डिसीज प्रोग्रेस दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई डिस्ट्रॉय सेवरल सेल इन द बॉडी और द अफेक्टेड एरिया. वहाँ पे क्या है, ये ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन करता है और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन क्या होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन इन टिश्यू. ठीक है, और जैसा कि ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो लंग्स में अगर ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होगा तो ग्रैनुलोमा विल लीड्स टू कैविटाइजेशन. और ये जो कैविटाइजेशन है ना, यही रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है. बिकॉज कैविटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है या निल हो जाता है. तो जब कैविटाइजेशन बन जाता है इट मीन्स वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के साइन आना स्टार्ट हो जाएंगे. और डिपेंड करता है सीवीटी कि कितने पार्ट में कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात करना चाहूँगा कि हम में से अगर उदाहरण दें तो 100 में से 95% में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है. लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है ना वो लेटेंट फॉर्म में है, रेसेसिव फॉर्म में है. बॉडी के अंदर तो है लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अपने साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करने देता. उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में वो लेटेंट फेज के अंदर पड़ा रहता है. लेकिन जैसे ही बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है किसी भी फैक्टर के अकॉर्डिंग, किसी भी फैक्टर की वजह से जैसे ही अपना इम्यून सिस्टम वीक होता है ये बैक्टीरिया जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है. उसमें से 10% लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस के 10% केसेस ही एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट होते हैं. और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस मीन्स द मेन ट्यूबरकुलोसिस जिसके अंदर पेशेंट अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करता है. अदरवाइज पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता है. और जब पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स शो करता है उस कंडीशन को अपन कहते हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस.
सो वट आर द रिस्क फैक्टर? कॉजेज की हमने बात करी, तो कॉजेज में सिर्फ एक क्या है, सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल है, ठीक है। और रिस्क फैक्टर फर्दर हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग एक कॉज हो सकता है, ठीक है। अल्कोहलिज्म एक कॉज हो सकता है, बिकॉज ये आपको किसी भी डिसीज़ के लिए प्रमोट करते हैं, किसी भी डिसीज़ को आप एक्वायर करने के लिए प्रमोट करते हैं। स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्मोकिंग क्या है कि आपकी म्यूकोसिलरी रेस्पॉन्स को डिक्रीज करती है, उनको कुछ टाइम के लिए जो है ना, आपका म्यूकोसिलरी, म्यूकोसिलरी मीन्स जो रेस्पॉन्सिबल है एक्सपेल आउट करने के लिए आपके म्यूकस को, जो लंग्स में म्यूकस इकट्ठा हो रहा है उसको क्या करती है, ये एक फाइन टाइनी हेयर्स के मूव से अपवर्ड मूव करवा के एक्सपेल आउट करवाती है। स्मोकिंग के केस में क्या होता है, यहाँ पे वो चीज़ फिनिश हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, म्यूकोसिलरी एक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाता है, तो कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो है वो इजीली वहाँ स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि वहाँ से फिर म्यूकस एक्सपेल नहीं होगा, क्योंकि म्यूकस के साथ में बैक्टीरिया भी जो है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी के आए हो, क्योंकि अपन ट्यूबरक्लोसिस को, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू भी स्प्रेड करवाते हैं ना, उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के होते हैं, कि अगर डायरेक्ट हम पेशेंट के संपर्क में आते हैं, किसी एक्टिव वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के संपर्क में आने से किसी भी पेशेंट को कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर वो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का केस है, उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट में साइनेंट सिम्टम्स हैं, वो पेशेंट क्या है, साइनेंट सिम्टम्स शो कर रहा है, तो वो किसी को आराम से अपना इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स पेशेंट के, उसी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के यूज़ करे हुए फॉर्माइट्स, यूटेंसिल और ऐसी चीज़ें जो पेशेंट के द्वारा यूज़ करिए, उसको हम अगर कैरी करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, तो चांसेस होते हैं कि हम भी उस डिसीज कंडीशन को एक्वायर कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पेशेंट में या इंडिविजुअल में लेटेंट फेज में एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन लेटेंट फेज में होने की वजह से वो शो नहीं करता है, लेकिन लेटेंट फेज जो है वो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाता है जब पेशेंट क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या इम्यूनो सप्रेसेंट हो। तो एग्जांपल के तौर पे HIV, ठीक है, जिसके अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है या इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस होता है, कैंसर के पेशेंट में इम्यून सप्रेस होता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में हम इम्यून को सप्रेस करवाते हैं, बिकॉज कि इम्यून को सप्रेस करवाने का कारण क्या है कि हम जब पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो उस ऑर्गन को एज ए फॉरेन बॉडी, उसकी बॉडी जो है वो ट्रीट करती है और उसको रिफ्यूज़ ना करे, इसलिए पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टीरोइड थेरेपी पर रखते हैं, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक करके उसको हम एक्वायर्ड करने के लिए रेडी कर सकें। नेक्स्ट, लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया। देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो है वो पुअर डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानी जाती है या पुअर्टी डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि देखा ये गया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा उन्हीं में स्प्रेड है जो बिलो पुअर्टी लाइन सर्वाइव करते हैं, क्योंकि बिलो पुअर्टी लाइन सर्वाइव करने पे उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी उनका कम होगा, उनका हाउस पैटर्न जो है वो सही नहीं होगा या बिलो स्टैंडर्ड होगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कम होगा और वो बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पुअर्टी को शो करती है और इसीलिए इसको पुअर्टी डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन स्प्रेड होने का खतरा बहुत रहता है, अगर कोई भी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का केस है, और अगर हाई डेंसिटी के अंदर वो रहता है तो क्या होता है कि वो कोई भी इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज 0.5 mm का माइक्रोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ड्रॉपलेट के माध्यम से स्प्रेड करने के लिए, बिकॉज 0.5 mm से ऊपर का जो ड्रॉपलेट होगा वो इजीली एयर में फ्लॉट नहीं कर पाएगा, वो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करके सेटल डाउन हो जाएगा, और 0.5 से ऊपर का से कम का अगर रहता है तो वो क्या करेगा, एयर में इजीली फ्लॉटेड करता रहेगा और वो किसी को भी रीच कर सकता है।
तो ओवर क्राउडेड और हाई डेंसिटी होने की वजह से ड्रॉपलेट और कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन का जो खतरा है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये क्राउडेड एरिया इस सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आज के दौर में कोविड-19 कोरोना का सबसे ज़्यादा स्प्रेड वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, या ये कहा जाए कि हम वहाँ पे इसको कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी शो कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, जहाँ पे जो पर्सन्स का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिलो स्टैंडर्ड हाउसिंग में है। तो एग्जांपल स्लम्स इन मुंबई धारावी, वहाँ पे भी हाई डेंसिटी लिविंग है, तो वहाँ पर भी हम इसको कंट्रोल करने में सक्षम है। उसी मद्देनज़र अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ऐसे किसी एरिया में अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वहाँ पर हम उसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। नेक्स्ट अपैथोफिजियोलॉजी। सो व्हाट हैपन विद ट्यूबरक्लोसिस और हाउ द ट्यूबरक्लोसिस इज रीच टू द पेशेंट एंड शो देयर साइन एंड सिम्टम्स। वंस द ससेप्टेबल पर्सन इज इनहेल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द ट्यूबरक्लोसिस। जब एक ससेप्टेबल पर्सन जिसके अंदर इम्यून पावर जो है वो सप्रेस हो रखा है, या वो आदमी जिसके अंदर उस माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई को रिफ्यूज़ करने का कोई सोर्स ना हो इम्यून पावर वीक होने की वजह से, तो ऐसा कोई भी ससेप्टेबल पर्सन जब माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई को इनहेल करता है तो वो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। वंस द बैक्टीरिया आर इनहेल्ड द बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड टू द एल्वियोलाई थ्रू एयर वे वेयर द डिपॉजिट एंड बींग मल्टीप्लाई। जैसे ही ससेप्टेबल पर्सन इनहेल करता है तो एयर वे के द्वारा जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पहुँच जाता है, एल्वियोलाई के अंदर, और वहाँ पर सेटल डाउन होके वो अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, कॉलोनाइजेशन करता है। और कॉलोनाइजेशन शब्द का मतलब होता है कि वो वहाँ पर अपनी जनसंख्या वृद्धि करता है। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन बेसिलाई रीच इन द लंग्स ब्रोंकियल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इनिशिएट बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम विद ल्यूकोसाइट। जैसे ही बेसिलाई लंग्स के ब्रोंकियल्स या लंग्स में पहुंचता है तो बॉडी क्या करता है, अपना इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले अपना बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एक्टिव होता है और वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या चीज़ एंटर हुई है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट फैगोसाइट एनगल्फ मैनी ऑफ बैक्टीरिया एंड टीबी स्पेसिफिक लिम्फोसाइट डेस्ट्रॉय द बेसिलाई एंड नॉर्मल टिश्यू। इसके बाद क्या होता है कि फैगोसाइट क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाते हैं, और साथ ही में क्या होता है, टीबी स्पेसिफिक जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, और साथ में ही नॉर्मल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है। दिस विल फर्दर लीड्स टू एक्सुडेशन फॉर्म इन द एल्वियोलाई दैट अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू डेड सेल, एंड दैट ग्रैनुलोमा इज सराउंडेड बाय द मैक्रोफेजेस दैट इज कॉल्ड गोन्स ट्यूबरकल। और ये गोन्स ट्यूबरकल जो है वो एक हॉलमार्क है जिसको अपन एक्सरे के अंदर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट विल लीड्स टू नेक्रोसिस एंड कैविटाइजेशन एंड एट लास्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। मीन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गोन्स ट्यूबरकल दिस विल कन्फर्म दैट दैट पेशेंट और इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड बाय द ट्यूबरकल और पल्मोनरी ट्यूबरकुलाई। सो फॉर्मेशन ऑफ कैविटाइजेशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। सो व्हाट आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो फर्स्ट मेन सिम्टम्स की अगर बात करें तो कहते हैं खांसी का 3 हफ्ते से ज़्यादा होना पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट साइन इज कफ परसिस्ट मोर देन 3 वीक्स। हिमोप्टियासिस स्पूटम विद द ब्लड, अगर आपके बलगम के साथ खून आता है तो फिर वो भी हिमोप्टियासिस भी एक लक्षण है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का।
नेक्स्ट वन वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. सेकेंड नेक्स्ट वन चेस्ट पेन. चेस्ट पेन इज रिलेटेड विद द सीवियर एंड रिपीटेड एंड क्रोनिक कफिंग. जो चेस्ट पेन है चेस्ट टाइटनेस की वजह से होता है, और वो चेस्ट टाइटनेस किसकी वजह से हो रहा है, क्रोनिक कफ की वजह से. कंटिन्यू लो ग्रेड फीवर, लगातार जो है वो एक लो ग्रेड 100 and 100 के नियर बाय जो है पेशेंट का टेम्परेचर रहेगा. ये लो ग्रेड फीवर जो है ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन नाइट स्वेटिंग, रात के दौरान पसीने का आना. वीकनेस और फटीग, वीकनेस और फटीग एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से हो सकता है या बॉडी में इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है. सेकेंड वन जो रीज़न है वो हो सकता है कि जब आप एक्सेसिव कफिंग कर रहे हैं तो वो एनर्जी डिप्लिकेशन का काम करती है. आप लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहे हैं वो एनर्जी डिप्लिकेशन का काम करती है. और लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट इज़ आल्सो अ रीज़न फॉर वीकनेस. तो ये सारा फिनोमिना एक इकट्ठा होके वीकनेस कॉज करता है. एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लिथार्जी, फीलिंग ऑफ सिकनेस. अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं या इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है डिसीज़ कंडीशन के ऊपर. जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़, तो जितने ज़्यादा कैविटी का फॉर्मेशन होगा लंग्स के अंदर उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर अफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिड्यूस होगा उतने ही साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो सीवियर होते जाएंगे. नेक्स्ट वन डायग्नोसिस. सो फर्स्ट वन हिस्ट्री कलेक्शन. तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, और हिस्ट्री कलेक्शन में हम सबसे पहले पेशेंट के बारे में क्या करेंगे कि आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट था. सबसे पहले कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पेशेंट की आप मॉनिटर करोगे. उसके बाद आप पेशेंट का ऑक्यूपेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और हिस्ट्री रिगार्डिंग इटियोलॉजिकल फैक्टर. अगर मैं ये कहूँ हिस्ट्री रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे पहले आप पेशेंट की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रांसमिशन जो है वो आप राइट डाउन करोगे. आप पेशेंट का लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, आप पेशेंट किस इलाके में रहता है, क्या वो हाई डेंसिटी इलाका है या लो डेंसिटी इलाका है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, इन सभी के बारे में आप पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे. पेशेंट की स्मोकिंग हिस्ट्री क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, कितनी इंटेंसिटी है और क्या फ्रीक्वेंसी है पेशेंट की स्मोकिंग की, वो सारा आप हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे. नेक्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स हेड टू टो एग्जामिनेशन. इसमें आप पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन सबसे पहले वो मॉनिटर करेंगे. अगर डिस्निया पेशेंट में है कफिंग की वजह से तो उसको आप मॉनिटर करेंगे. चेस्ट टाइटनेस आप पेशेंट की मॉनिटर करेंगे. ऑस्कल्टेशन से आप पेशेंट का एबनॉर्मल लंग्स साउंड जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, ये सारा जो फिनोमिना है साइनोसिस इन द केस ऑफ सीवियरिटी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सीवियर स्टेज में है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या करेंगे, साइनोसिस के लिए भी मॉनिटर करेंगे. साइनोसिस क्या है, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब बॉडी सेल के अंदर सफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन नहीं होता है तो उससे स्किन जो है वो पर्पलिश और येलोइश हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं साइनोसिस. नेक्स्ट वन चेस्ट एक्सरे. चेस्ट पीए के अंदर आप जो है गोन्स ट्यूबरकल को आइडेंटिफाई करेंगे या मॉनिटर करेंगे. गोन्स ट्यूबरकल क्या होंगे कि जब आप एक नॉर्मल एक्सरे देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि एक्सरे जो है ना वो बिल्कुल डार्क ब्लैक है, ये नॉर्मल एक्सरे होगा. लेकिन अब नॉर्मल एक्सरे या एक्सुडेट अगर डिपॉजिट है, गोन्स ट्यूबरकल है, ग्रेनुलोमा है, उस कंडीशन में जो पेशेंट का एक्सरे जो आप देखोगे तो उसमें पेशेंट के एक्सरे पे वाइट पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, और वो वाइट पैचेस जो हैं गोन्स ट्यूबरकल हो सकते हैं. वो गोन्स ट्यूबरकल की जगह वो एक्सुडेट हो सकता है और यही वो ग्रेनुलोमा हो सकता है. नेक्स्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन. सो ब्लड इन्वेस्टिगेशन
ऑब्वियसली जर्नल ब्लड पिक्चर PBF, पेरिफेरल ब्लड पिक्चर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट टू आइडेंटिफाई द कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है स्पूटम एग्जामिनेशन। सो स्पूटम एग्जामिनेशन मीन्स पेशेंट को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 24 आवर्स का एक स्पूटम कलेक्ट करके एज अ सैंपल लेबोरेटरी में दें और लेबोरेटरी के अंदर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम उस प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर स्पूटम के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आता है तो पेशेंट पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लून टेस्ट। ट्यूबरक्लून टेस्ट या मोंटोक्स टेस्ट या इसका दूसरा नाम फिर PPD टेस्ट, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, तीनों एक ही चीज़ हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, उसको एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव 0.1 ml इंट्राडर्मनली इन रेस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म 4 inches बिलो द एल्बो अपन इंजेक्ट करते हैं। इसकी रीडिंग को अपन 48 to 72 hours के बाद पढ़ते हैं। इसका इरिडीमा डेवलप होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इसमें क्या होता है, इरिडीमा डेवलप होता है और उस इरिडीमा को अपन 48 से 72 घंटे बाद रीड आउट करते हैं। जो रेडनेस का एक सर्कमफ्रेंस बना ना, उसका हम रेडियस और डायमीटर चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर 5 mm का डायमीटर है, 5 mm का डायमीटर है, तो हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं एक्सेप्ट इन द HIV पेशेंट। अगर 5 to 7 mm का डायमीटर इरिडीमा डेवलप होता है तो हम उसको डाउटफुल कंसिडर करते हैं, और 10 mm का अगर इरिडीमा डेवलप होता है तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि जो ये रेंज है 5 to 10, 5 to 7 mm, ये बुक्स में वेरी करती हैं। तो इसमें यहाँ पे आप रेफ़र करिए कि 5 mm कुछ बुक्स में पॉजिटिव दिया हुआ है, वो सिर्फ HIV और इम्यूनोसप्रेसेंट कंडीशन के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। अगर PPD के इंजेक्ट करने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नोट करना इस चीज़ को, अगर PPD के इंजेक्ट करने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, इट सीम्स और उससे ये पता लगता है कि टेस्ट जो है वो फेल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट नेगेटिव है, बिकॉज PPD इंजेक्ट करने के बाद इरिडीमा का डेवलप होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज जो है हम ये कंसिडर करते हैं कि जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। तो आप इनको याद रखिए, 5 mm पे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं सिर्फ HIV पेशेंट के अंदर, पॉजिटिव माना जाता है, 5 to 7 mm डाउटफुल होता है, 10 mm का जो डायमीटर बनता है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता है प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई। ठीक है, और सो दिस विल आल्सो नोन एज कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सो एक चीज, डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका ट्रीटमेंट है। इसका नाम डॉट्स क्यों है? डॉट्स इसका नाम इसलिए है कि क्या हुआ और क्या होता है कि जब पेशेंट जो है ना वो ट्यूबरक्लोसिस से रिकवर करता है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फेज की बात कर रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फेज जब पेशेंट रिकवर करने लगता है तो उसके साइलेंट सिम्टम्स ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगते हैं। ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते वो साइन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जैसे ही वो साइलेंट सिम्टम्स ख़त्म होता है वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है वो मिनिमम डॉट्स का 6 महीने का है, चाहे साइलेंट सिम्टम्स सप्रेस या एब्सेंट क्यों नहीं हो जाए, आपको वो 6 महीने तक कंटिन्यू करनी है। तो ये लैगिंग का जो एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने डॉट्स स्टार्ट करी, और लैगिंग की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से ही क्या होता था कि एक और चीज़ है कि डॉट्स के अंदर आपने अगर ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया तो इससे आप रेजिस्टेंस हो जाओगे, और डॉट्स थेरेपी बहुत ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, इसके फर्दर जो है वो अपना साइड इफ़ेक्ट देते हैं। लेकिन हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं ये, इसलिए इनको हम
रेजिस्टेंस डबल हाईली रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो हम इसको डॉट्स के माध्यम से देते हैं। डॉट्स के मतलब ये होता है कि पेशेंट को आप एक हेल्थ पर्सनल के सामने बैठा के जो है वो आप ट्रीटमेंट ऑफर करें या उनको दें। तो डॉट्स को हम बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव फेज विच इज़ ऑफ 2 to 3 months एंड सेकेंड वन इज़ कंटिन्यू फेज विच इज़ ऑफ 4 to 6 month। सो डॉट्स में हम बेसिकली तीन तरह के ड्रग्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड सेकंड लाइन ड्रग एंड थर्ड वन दैट इज न्यूली एडेड ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग आर क्रिएट हिपेटोटॉक्सिसिटी। सबसे ज़्यादा सेकंड लाइन ड्रग जो हिपेटोटॉक्सिक होते हैं एज कंपेयर टू टू फर्स्ट लाइन ड्रग। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में पहले आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन और पायराजिना और एक एथाम्ब्यूटो। ये पांच ड्रग जो हैं वो हम फर्स्ट लाइन ड्रग में कंसिडर करते हैं। कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड और एथाम्ब्यूटोल। नेक्स्ट सेकेंड लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग साइक्लोसिरिन, एथिनामाइड, थियोएसिटाजोन, अमीकाजिन और कैरियोमाइसिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूली एडेड ड्रग की। तो न्यूली एडेड ड्रग में जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो ऐड करी गई है। फर्स्ट वन सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेकंड ऑफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड रिफेबुटिन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री ड्रग्स आर फॉर्मली नोन एज डॉट्स थेरेपी। ठीक है, हम इनको डॉट्स थेरेपी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मेन डॉट्स थेरेपी है वो है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग। ये न्यूली एडेड ड्रग जो है एंटीबायोटिक्स हैं, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन। बाकी ऐसे ही ऑफ्लोक्सासिन फर्दर क्लासिफिकेशन है और क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स के। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। सो इन इफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन। इन इफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल सेल लीड्स टू द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट और पेशेंट उस एयर वे को, उस एक्सेसिव सीक्रेशन को इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से उन बने एक्सेसिव सीक्रेशन को एक्सपेल आउट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सीवियर साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। नेक्स्ट वन इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन। तो ग्रेनुलोमा और कैविटाइजेशन के फॉर्मेशन की वजह से जो आपके लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एरिया है वो रिड्यूस होता जाएगा, या पल्मोनरी बेड जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो बना है वो जो है रिड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से साइनोसिस जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है। इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग्स वॉल्यूम और चेस्ट डिस्कम्फर्ट। पेशेंट की जो वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में। नेक्स्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर एपेटाइट, एंड लास्ट वन एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग, अल्टर्ड न्यूट्रिशन स्टेटस एंड फीवर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।